नमस्कार, मैं हूं नवीन आनंद। आप देख रहे हैं न्यूज आज। सावन के आखिरी सोमवार को केंद्रीय मंत्री उमा भारती उज्जैन के महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुंची। उमा भारती ने गंगा जल से महाकाल का अभिषेक कर पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। मीडिया से चर्चा के दौरान उमा भारती ने कहा कि गंगा नदी का सफाई अभियान उनकी पहली प्राथमिकता है और 6 महीने में गंगा नदी साफ हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए उमा भारती ने कहा कि गंगा नदी की सफाई की दिशा में बेहतर काम किया जा रहा है। नदी को प्रदूषित करने वाली कई बड़ी फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया गया है। आज श्रावण मास के आखिरी सोमवार पर भगवान महाकाल के दर्शन करके अति प्रसन्नता हुई। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत शांतिपूर्ण हैं और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से दर्शनार्थियों को दर्शन कराए जा रहे हैं। मैं तो वहाँ भगवान महाकाल से एक ही बात मांगती हूँ, मेरी तो सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, सारी इच्छाएं एक इच्छा में इकट्ठी हो गई कि मुझे अपने जीवन काल में गंगा को अविरल और निर्मल देखना है। इसके अलावा मेरी कोई इच्छा है ही नहीं। जब भी मैं महाकाल आती हूँ तो उनको गंगा जल चढ़ाती हूँ और मैं महाकाल से मांगती हूँ, पुजारियों को बोलती हूँ कि मेरी सिफारिश लगा दो। मैंने गंगा मंत्री की हैसियत से बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई और वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए नितिन गडकरी बिल्कुल सही व्यक्ति हैं और गंगा आज भी मेरे पास है, मेरे विभाग में भी। नितिन गडकरी जी मुझे हर बार अपने साथ मिला के ही काम कर रहे हैं। पहले मैं नितिन जी का सहयोग लेके करती थी, अब वो मेरा सहयोग लेते हैं। बस भगवान महाकाल से मैं यही बोलने आई हूँ कि गंगा की धारा सूखनी नहीं चाहिए, अविरल और निर्मल रहनी चाहिए, साफ भी रहनी चाहिए और अखंड भी रहनी चाहिए। यही मांगती हूँ, हमेशा यही मांगती हूँ, आज भी यही मांगती हूँ, बाकी मेरी कोई इच्छा ही नहीं बची। जी बताइए। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।